अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियर टाउन कराची, मैं हूं अहमद रज़ा। आज हम प्रीसेंट 23 के अंदर मौजूद हैं और आपको आज प्रीसेंट 23 का हम स्ट्रीट टूर देंगे और साथ में आपको इसकी प्राइजेस के बारे में और इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। ये हम प्रीसेंट 23 की जो लूप रोड है इसके ऊपर एंटर हो चुके हैं और इसके अगर हम मेन गेट से डिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर बनता है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे सस्ते आपको प्लॉट्स मिलते हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स के, वो आपको प्रीसेंट 23 के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर आपको सराउंडिंग्स देखें इसकी, तो इसकी सराउंडिंग्स के अंदर जो गोल्फ सिटी है, उसके बाद देहरिया का जो कॉलेज है वो इसके तकरीबन आधे से एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और प्राइजेस भी इसकी अभी काफ़ी नॉर्मल हैं। इसके अंदर आपको तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिल जाता है और इसके अंदर पोजेशन भी आपको मिल जाएगी। और ये प्रीसेंट अगर आप कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ इन्वेस्टर हैं जो कि 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट को लेके और उसको थोड़ा सा होल्ड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये प्लॉट्स आपको तकरीबन 1-1.5 साल के बाद प्राइजेज इधर नहीं नज़र आएंगी, इसकी प्राइजेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अब जो दूसरे 125 गज के प्लॉट्स हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स के, वो इधर काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइजेज हो चुकी हैं, लेकिन इधर आपको अभी एक नॉर्मल प्राइस के ऊपर प्लॉट मिलता है 125 स्क्वायर यार्ड्स का, जो कि डेवलप ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं और इसकी सराउंडिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। इसके साथ बिल्कुल गोल्फ सिटी है, उसके बाद 7-स्टार होटल भी इसे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है जो कि हयात रेजेंसी है। उसके बाद आपको इस प्रीसेंट के साथ जो ARY रेजिडेंशिया है, जो ARY रेजिडेंशिया के विलाज हैं वो भी इसके बिल्कुल साथ हैं और उसकी वजह से भी इसकी एक वैल्यू बहुत अच्छी है इस प्रीसेंट की। और जैसे ही ये विलाज रेडी हो जाएंगे तो इसकी जो प्राइजेज हैं उनके अंदर एक बार बूम आएगा। और इसके अंदर आपको ये डेवलपमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं आप कि सारे प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं, लेवल के प्लॉट्स हैं इसके अंदर। और जो दूसरे प्रीसेंट्स हैं 125 गज के, उनके अंदर हमें अभी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई मिल रही हैं। इस प्राइजेस के ऊपर 125 के रियार्ड से प्लॉट्स हमें और कहीं नहीं मिलते। ये हमारे बिल्कुल आप देख सकते हैं साइड पे, ये ARY रेजिडेंशिया के जो विलाज हैं वो बन रहे हैं और ARY इधर अपनी एक काफ़ी ज़्यादा विलाज बना रही है और उसको बात करेगी ARY। और इस प्रीसेंट के साथ ही आपको बिल्कुल जो कॉलेज है बहरिया का वो मिलता है। और ये इसके अब आपको मैं स्ट्रीट टूर देता हूँ कि अब इसकी हम ये आपको स्ट्रीट्स का स्टेटस दिखाते हैं कि इसकी स्ट्रीट्स किस तरह से डेवलप हैं। और इधर ये देखिए, ये DPs लग चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं और बड़ी इसके अंदर अभी पोटेंशियल है इस प्रीसेंट के अंदर। अब ये हम स्ट्रीट 3 पे हैं और ये आप देख सकते हैं ये सारे प्लॉट्स लेवल पे हैं। इसके अंदर साथ लूप रोड के साथ इसके अंदर कमर्शियल भी है और सराउंडिंग्स भी इसकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। जिस तरह हम दूसरी प्राइजेस को कंपेयर कर लें कि प्रीसेंट 15A हो गया, 15B हो गया, उसके बाद प्रीसेंट 10B, 11B, उनकी प्राइजेस भी एक टाइम पे इस तरह थी, लेकिन आज आपको उधर ये प्राइजेस नहीं मिलती। सेम उसी तरह आपको ये जो प्रीसेंट 23 है इसके अंदर भी आज से कुछ अर्सा बाद ये प्राइजेस नहीं मिलेंगी। अभी इसके अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि इसको प्रेफर कर रहे हैं, इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं। इन फ्यूचर अगर आप अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अपना घर बनाने के लिए भी इसको देखते हैं तो ये बड़ी अच्छा एक प्रीसेंट है और इसके अंदर काफ़ी आगे पोटेंशियल है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ जो वो आपके ARY रेजिडेंशिया के जो विलाज हैं वो हैं और बिल्कुल साथ ही ये भी प्लॉट्स हैं प्रीसेंट 23 के। और इसके अंदर ये टोटली डेवलप प्लॉट्स हैं, इसके अंदर आपको इस तरह का कुछ नहीं है कि नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं। ये ऑन ग्राउंड आप अपने प्लॉट के ऊपर खड़े हो के प्लॉट देख सकते हैं इसको लेने से पहले, और आपको पता होगा कि आपके प्लॉट की लोकेशन क्या आ रही है। इसके अंदर जो गोल्फ सिटी है उसमें आपको पता है काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस आए हैं और ये बिल्कुल गोल्फ सिटी के साथ है, इसकी सराउंडिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और ये आप देखिए कि इसके अंदर ये
ये बिल्कुल इसका जो लूप रोड है, मैं आपको उसके ऊपर भी दिखाता हूँ कि ये सारा इसका कमर्शियल है। और आने वाले वक्तों के अंदर इस प्रीसेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज हो जाएंगी। फ़िलहाल ये आपको प्राइजेस की कम मिल रही हैं, लेकिन आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इधर प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जिस तरह से इसके साथ प्रीसेंट 22 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ दिनों में ट्रेड हो रहा है और वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इसी तरह प्रीसेंट 23 की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है अभी मार्केट में, और इन्वेस्टर्स भी इसको प्रेफर कर रहे हैं और एंड यूज़र हैं जो वो भी इसको बहुत प्रेफर कर रहे हैं। उसकी ये ख़ास वजह है कि इसके बिल्कुल साथ आपके जो ये गोल्फ सिटी है वो भी है, और एयरवे रेजिडेंशिया के विलाज आ रहे हैं इसके साथ। और इसके अंदर आपको जो स्कूल है वो साथ है, और बिल्कुल इसके सामने जो प्रीसेंट 27 वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जिना एवेन्यू के साथ प्रीसेंट 27 भी है। ये अब इसकी हम स्ट्रीट्स देखें तो ये आप इसकी स्ट्रीट्स देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा आपको एक नॉर्मल प्राइस पे चीप प्राइस के प्लॉट हैं, लेकिन ये प्राइजेज आपको आज से थोड़ी देर बाद नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि इधर आपको सबसे सस्ता ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं जो वो आपको प्रीसेंट 23 में मिल रहे हैं। तकरीबन 15-20 लाख की ब्रैकेट में आपको प्लॉट इधर मिल जाता है, और इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या रेजिडेंशियल पर्पज़ से अपना घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाहते हैं, लेकिन आप घर तकरीबन 1-1.5 साल के बाद बना रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि आज से कुछ 3-4 महीने पहले ये एआरवे रेजिडेंशिया के विलाज़ का काम भी नहीं था स्टार्ट, लेकिन अब एआरवे रेजिडेंशिया के जो विलाज़ हैं उनका काम भी काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट है, तो ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है। और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से रابطہ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह।